और फिर एलिमेंट हीटर में सिलेक्टर स्विच चेंज करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 पार्ट स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ से जो हीटर हाउसिंग कवर के जो ये सारे स्क्रू है इसको हम खोलेंगे। दो स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम खोलेंगे। इसके बाद ये जो स्विच है इसका वायरिंग है इसको हम निकालेंगे। जो एक नंबर पे सिलेक्टर स्विच में जो एक दिया है यहाँ पे वाइट वायर आता है और नीचे 2 नंबर है स्विच में वहाँ पे रेड वायर आएगा। जो एक साथ 2 वायर है और एक ए कॉन्टेक्ट पे रेड वायर है, ये मोटर वायर कनेक्शन है, ये जो जॉइंट कैप से लगाया हुआ है। इसके बाद स्विच को निकालने के लिए ऊपर खींच के निकाल देना है। इस तरह से ये स्विच निकल गई है। अब हम हीटर में नई सिलेक्टर स्विच को फिट करेंगे। फिट करने के लिए ये पोजीशन देखना जरूरी है, इस तरह से रख के फिट करना है पूरी तरह से बिठा देना है। बिठाने के बाद ये जो रेड वायर है इसको यहाँ पे सिंगल कॉन्टेक्ट में करना वायरिंग और ये जो डबल जो वायर है रेड इसको नीचे कॉन्टेक्ट में वायरिंग करना है जो 2 नंबर हैं और 1 नंबर लिखा है इसमें वाइट वायर का वायरिंग करना है। वायरिंग हो जाने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह से वायरिंग रख देना है। इसके ऊपर ये स्विच नॉब जो है इसमें ये जो 2 पार्ट्स है इसके पार्ट्स के साथ मिला के फिटिंग करना है। इसके बाद इसके ऊपर हाउसिंग कवर को फिट करना है। अब सारे का सारा स्क्रू जो है यहाँ पे फिटिंग करना है। इस तरह से फिटिंग हो जाने के बाद चेक करना है। पोजीशन सही है। हीटर में सिलेक्टर स्विच इस तरह से चेंज हो गई है।